This is Channels Television's breaking news. आरो प्रधान आरो मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम भेटा बुजुर्ग। आपके खेत में जो बिजली के तार टूटने से आग लग गई थी, कब की घटना है ये? शायद आज तीसरा दिन है आज। कैसे लगी आग? ये बिजली का तार से ज्वाइंट होने से फाइल्ड हो गए खेत में आग लगी थी। उसके बाद बहुत ही लोगों ने बचाया, उसमें आधा ज़्यादा सब खेत भी नष्ट हो गए और ये पास खेत रह गया। अब बताओ मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, क्या करूंगा? इस घटना की सूचना आपने बिजली विभाग के लिए दी थी? कोई आया वहाँ से? कोई भी नहीं आया। फिर आगे क्या सोचा है आपने? अब मैं ये सोच रहा हूँ, बताओ मेरे पास कृषि कार्ड भी है, बताओ मेरे बच्चों को खाने को भी नहीं है, मैं बताओ इसमें कहाँ से मैं जमा करूँगा, क्या करूँगा, या आत्महत्या करूँ, क्या करूँ बताओ? मेरे आगे तो कोई वही नहीं, चारा भी नहीं है। इससे पहले तो भी एक लड़की भी मेरी शादी को उससे पहले भी दो बार तीन तार टूटा तो थोड़ा नुकसान हुआ। मैंने बिजली विभाग वालों को इतला की, जब भी उन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की, वही जोर गांठ करके तार जोड़ जाते थे। इस बार क्या कहा उन्होंने? वो लोग आए मुआयने करने आए, कुछ नहीं, देख के चले गए थे। आपसे क्या कहा? लिखा पढ़ी करी नहीं? कुछ नहीं करी थी, देख कर वीडियो बना के कल अपने आप चुप्पा चलेगा। मुझसे ये भी नहीं कि तुम्हारा क्या नुकसान हुआ, क्या हुआ, कुछ आगे कार्रवाई हुई। आग जो लगी थी वो किस कारण आग लगी, कैसे लगी? ये बिजली के तार टूटने से आग लगी थी। बिजली के तार टूटने? हाँ। इस संबंध में आपके SDO से वगैरह बात हुई? हाँ, ये हमारे महाराज जी हमारे गांव में ही रहते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, तो इनने सूचना दी, SDO साहब को भी दी, सबके लिए दी, मगर आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है आज तक। न किसी ने इनकारी करी, न कुछ करा। बताओ हमारे लिए क्या चारा, वही हम लोगों को खाने के लिए बताओ कि क्या अपना खाएंगे, क्या बच्चों खिलाएंगे। आग को कैसे बुझाया आप लोगों ने? हम लोग ने पानी पत्ता पर करीब में गड्ढा था, उसमें से पानी ला के डाल के तब बुझाई थी। जिस समय आग लगी थी आप कहाँ पर थे? हम घर पर थे जब हमको सूचना मिली, जब तक तो हमारा खेत नष्ट हो गया, क्या कहते हैं, जब तक हम पहुँचे घर पर खेत पर।